का हमारे चैनल में आज मैं आपको एक डेरिवेशन करवाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्रूफ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को, और प्रूफ करेंगे हम उसको ग्राफिकल मेथड के द्वारा। नाइन्थ क्लास में भी था ये और आपके इलेवेंथ क्लास में भी है। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशंस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब ग्राफिकल मेथड के द्वारा प्रूफ किया जाता है तो वहां पर हम तीन इक्वेशंस को प्रूफ करते हैं, वही कहलाती है इक्वेशन ऑफ मोशन। जिनमें पहली इक्वेशन जो होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी जो होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी इक्वेशन होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2as। अब यहां पर अगर आप v की बात करेंगे तो उसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, u की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, a की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कहलाता है, और अगर t की बात करेंगे तो वो टाइम कहलाता है, और जो s है यहां पर वो डिस्टेंस कहलाता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इट मींस वी हैव टू प्रूव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग प्रूव करना है तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में। जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी। चलिए देखिए ना, ये आपका एक ग्राफ प्लॉट किया गया किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो हमने मान लिया है स्ट्रेट लाइन मोशन, यू वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी से पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहां पर u वेलोसिटी से पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया तो कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, कुछ समय बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, v। ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से ये लाइन कुछ इस प्रकार ड्रॉ कर लेते हैं, नामकरण कर देते हैं, ये पॉइंट है आपका ओ, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका सी, ये पॉइंट है आपका d। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, इट मींस दिस इंटरवल इज t। कुछ बातें जो आपके सामने मैं रख देता हूं, देखिए इस ग्राफ से देखकर पता चल रहा है कि जो आपका OA है, जो आपका OA है वो कितने के बराबर है, u के बराबर है। सेम O, देखिए ना O, और इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए e। जो OE है वो किसके बराबर है, BD के, और वही किसके बराबर है, V के, क्योंकि ये पूरा V है आपका। सेम आपका AC और OD, तो AC और OD किसके बराबर है, T के। सेम कुछ ऐसा सारे लेबलिंग आपने कर दी। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता है, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा स्लोप जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है एम से, और m बराबर होता है tan थीटा, इसके बराबर होता है tan थीटा। तो मैंने जब इस ग्राफ को ड्रॉ किया था तभी मैंने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो इट मींस ये एंगल जो आपके सामने है ये थीटा है, तो इसका मतलब हमें ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी tan थीटा फाइंड करना होगा क्योंकि स्लोप tan थीटा के बराबर है, और m अगर स्लोप है तो वो बराबर tan थीटा के, वही बराबर किसके है, एक्सेलरेशन के। तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज,
रिलेशन आप जानते ही हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस, जिसमें ये थर्ड वाला जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, टेन थीटा। तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये आपका हुआ बेस, तो आप लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। और मैंने अभी बताया आपको जो आपका बी सी है हम फाइंड कर लेते हैं, अपने को पता है कि ये जो बी डी है, ये जो बी डी है आपका वो कितने के बराबर है, ये बी डी जो है आपका वो बी के बराबर है। तो आपका ये सी डी, ठीक से देखिए, आपका ये सी डी किसके बराबर होगा, इस ओ ए के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू यू, और यही ओ ए जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर। तो अगर मैं आपसे कहूं ये बी सी किसके बराबर होगा, ये बी सी किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे बी डी जो है वो बराबर है बी सी प्लस सी डी के। तो आपको अगर बी सी फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। अब ठीक से देखिए बी डी, तो बी डी किसके बराबर है, तो बी डी बराबर है बी के। सी डी, तो सी डी किसके बराबर है, यू के। तो आपका बी सी किसके बराबर आ गया, तो बी सी बराबर आ गया आपका वी माइनस यू के। वैल्यू रखिए, यहां पर आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए सी, तो ए सी किसके बराबर है, तो ए सी बराबर आपका टी के, किसके बराबर है, टी के। और पहली कह दिया मैंने कि जो स्लोप है वो टेन थीटा होता है और वही ए के बराबर है, तो इस टी को इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू इस तरफ ले आइए तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। आपने ये प्रूफ कर दिया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, इज इट क्लियर। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला मैं प्रूफ करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।